मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के हो चुके हैं 8:30 और मेरा सब भी काम हो चुका है। मैं नहा धो के फ्रेश हो गई और मेरे गणेश जी का यहाँ पे पूजा भी हो गया है, देख लीजिए। और मैं सुबह का नाश्ता अभी बनाई नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे बनाने के लिए रखा है चावल। फिलहाल तो सब्जी कुछ है नहीं, सब्जी लेने जाएंगे फिर बनाएंगे। और देखिए वहाँ पे आ गया आशु। आशु ऊपर गया था। आशु बोल दीजिए गुड मॉर्निंग गाइस। ये लोग दोनों देखो कैसा राक्षस जैसे दिख रहे हैं, दोनों के दोनों राक्षस लग रहे हैं। अभी सो के उठे थे, ऊपर गए थे लोग, है ना आशु। तो मैं रंगोली बनाई हूँ इधर पूजा करके, देख दिखाती हूँ आप लोग को। इधर देखिए मेरा रंगोली यहाँ पे भी, और इधर सूरज दादा के दर्शन कीजिए। यहाँ है मेरा तुलसी, मैंने पूजा कर लिया है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे चावल लेने और सब्जी लेने। और यहाँ पे आशु मेरा देखो सुबह सुबह इतना शैतान है ना, मोगली देखता है ना, देखते हो मोगली। बोलो गुड मॉर्निंग गाइस, बोल दो जी इनमें का। देखिए कैसे लग रहा है, सो के उठा है आशु, गंदा है अभी। चलो आप भी नहा लेना। अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, हम लोग ऊपर थर्ड फ्लोर में रहते हैं देखिए। और अभी जा रहे हैं हम लोग चावल लेने, है ना आशु। कहाँ जा रहे हो बोलो, कहाँ जा रहे हो चावल लेने और सब्जी लेने बोलो। इधर देखिए नीचे हम लोग नीचे आ गए हैं। इधर हमारा स्कूटी निकाल रहा है ना आशु। हाय बोल दो बेटा, बोलो ना हाय, है नहीं बोलोगे। और देखिए इधर डॉग है, आशु डॉग से बात करने जाता है, छोटा छोटा डॉग उधर रहता है। उधर बहुत सारा डॉग उधर देखो, है ना आशु। वो आंटी लोग से बात करने जाता है आशु, है ना। देखो आशु गाड़ी में बैठा है, आशु इधर देखो, इधर इधर इधर। अब हम लोग जा रहे हैं, चलो चलो जल्दी आशु, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पे। देखो आशु तो कितना मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी दुकान से, मतलब सब्जी चावल लेने गए थे। और मैंने सब्जी कुछ नहीं, बस ये भाजी लेकर आया हूँ, उसको दिखाती हूँ। ये देखिए लाल वाला भाजी है, इसको बनाएंगे अभी सब्जी। सुबह में अभी नहीं बनाए हैं सब्जी, चावल बना के रखे हैं बस। ये रहा साग लाल वाला, इसको बनाएंगे अभी। और दाल लेकर आए बस 1/2 kg दाल, और ये 5 kg चावल, 5 kg चावल। और यहाँ पे आशु के लिए ला दिए एक प्लेट इडली होटल से। और आशु देखिए खा रहा है, इसको भूख लग रहा था, बोल रहा इडली खाएंगे, इडली साउथ इंडियन इडली सांभर और नारियल का चटनी। आप भी खा, आप इधर देखो, मम्मा को खिला देंगे तो मम्मा। थैंक यू। देखिए कैसे रो रहा है आशु, मेरे को खिला दिया था। तो चलिए गाइस अभी मैं भाजी क्लीन करती हूँ साग को, फिर जल्दी से बनाते हैं फटाफट। कितना 9 बज गया है, अभी नाश्ता भी नहीं हुआ है। और ये लोग खा रहे हैं इडली। देखिए यहाँ पे मैं साग को बना रही हूँ अभी। देखिए हम लोग का साग अभी बन रहा है। कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं तो मैं ही पकड़ रही हूँ। देखिए गांव जैसा लाल साग इधर नहीं मिलता है, लेकिन ये भी लाल ही है, थोड़ा कम रहता है। बहुत दिन हो गया ये वाला साग खाए नहीं थे, तो आज ले आए। और कुछ नहीं बनाए हैं, बस इसी से खाएंगे आज। हमारा चावल बन चुका है, अब सब्जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मोगली देख रहा है आशु। आशु तो इडली खा लिया, आशु का पेट भर गया। अभी हम लोग नहीं खाए हैं, हम लोग का सब्जी बन रहा है अभी यहाँ पे। हम लोग का मैंने टमाटर डाल दिया है, टमाटर नमक डाल दिया है, इसको ढक देते हैं थोड़ी देर। हमारा खाना बन चुका है, देखिए ये लाल वाला साग बनाए हैं बस, और कुछ नहीं बनाया चावल। और ये रात का बचा था बीन्स का सब्जी। और आशु तो भाग गया है, उधर नहीं है। तो हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, हम खाना खा लिए हैं, अभी जा रहे हैं थोड़ा देर ऊपर धूप में। इधर देखिए उधर नारियल का पेड़ है, इधर बिल्डिंग, हम लोग का रूम 3rd फ्लोर में है। और आशु उधर गया है, उसको बुला रही हूँ, नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा धूप ले लेंगे ऊपर में। आशु कहाँ पे हो,
यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है बेंगलोर का नज़ारा। और यहाँ पे बच्चे आए हैं नीचे से खेलने। यहाँ पे एक गमला रखे हैं जो नीचे में था तो इधर ऊपर रख दिए। ये देखिए कितना अच्छा धूप है। खाना खा के आ गए थोड़ा देर ऊपर। इधर नया नया बिल्डिंग्स रेडी हो रहा है, देख लीजिए। हम लोग बेंगलोर में, इधर का रूम बहुत महंगा मिलता है बेंगलोर में। भी आया, कहाँ गए थे आशु आप, कहाँ गए थे बोलो। देखो उधर दीदी लोग पतंग उड़ाएंगे, वो लोग पतंग, वो लोग ऊपर में काइट रखे हैं उड़ाने के लिए। और यहाँ पे आशु मेरा देख रहा है। आशु आ जाओ, बोल दो कौन आया है और क्या लगाए हो। देखो बाबा रे, आशु मेरा लिपस्टिक लगा के आया है। देखो लिपस्टिक लगाए हो, गंदा लड़का। वो लोग को देख के ना ऊपर जाऊंगा बोल रहा है। देखो आइए, इधर आइए, जाएंगे, आओ आओ। खाना नहीं खाओगे आशु? हम लोगों ने खाना खा लिया, आशु को बुलाए तो नहीं आया, वो खाया ही नहीं है खाना। इडली खाया था दो, बस इडली खाए थे, बस पेट भर गया आपका आशु। ये लड़का बहुत बदमाश है, खाना भी नहीं खाता है। चलो उन लोग को देख के ना उन्हीं के पास जाऊंगा बोल रहा है। देखो वहां से खेल रहा है। कौन आया आशु? दीदी अक्का बोल दो, अक्का बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो। नहीं जाते, ये भी जाऊंगा सोच रहा है। चलो आएंगे जी, आएंगे लोग। आपको मैं बुलाई के ऊपर जाएंगे तो आप क्यों नहीं आए बोलो। हाँ ऊपर गए थे, नीचे आ गए, वहाँ पे बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे हैं तो आशु भी जाऊंगा बोल रहे। देखिए आशु, ये देखिए हमारा छोटा सरू, और ये अभी से खाना खा रहे हैं। आशु खाना खाओगे आप? खाना तो खत्म हो गया जी, खत्म हो गया खाना, अब खाऊंगा बोल रहा है। देखिए खाना खत्म हो गया, आप इतना देर तक क्यों नहीं आए और लिपस्टिक लगा कर आए हो, है ना। गुड गाइस बोल दो, गुड मॉर्निंग गाइस। लिपस्टिक लगाया है। तो गाइस अभी 12:30 हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड चले गए काम पे। और देखिए आशु पूरा ना रंगोली मेरा ख़राब कर दिया, देखिए कैसे कर रहा है लड़का गंदा। और मैं आशु के लिए खाना बना रही हूँ क्योंकि उसे भूख लगता है बहुत जल्दी। वैसे टाइम हो गया है 12:30, तो बना लेती हूँ फिर उसको खिला देंगे। सब्जी तो कुछ भी नहीं बनाएंगे अभी, क्या बनाएं समझ में नहीं आता। बस सुबह में साग लाए थे उसको बना दिए आशु, और अभी तो कुछ नहीं है बनाने के लिए। और ये लड़का ना बहुत बदमाशी करता है, देखिए आशु नहीं करते ऐसा गंदे काम, क्यों रंगोली खराब कर रहे हो? हाँ देखिए मेरा आशु कैसे डांस कर रहा है, आप सबको दिखाऊंगा बोल रहा है। अब करके दिखा दीजिए डांस। मेरे आशु का डांस को देखिए। और गाइस देखिए ये ना, हम लोग अभी आशु को बर्थडे में ही कमी किए थे, बट ना मेरा आशु इतना बदमाश है। और पता है जिनके घर में बच्चे होते हैं उनके घर का पेंट कभी भी अच्छा नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। देखिए कितना इधर भी पूरा गंदा करके रखा है, क्योंकि जो भी चीज़ खाएगा ना वो, नहीं तो कभी तेल को पकड़ ले, तेल लगाएगा तो ऐसे करके दीवार पे रख देता है हाथ, चॉकलेट खाएगा उसको रख देगा हाथ को, गंदा हाथ को। अब देखिए अभी भी कितना गंदा कर लिया, सुबह ही इस कपड़े को पहनाई थी इतना जल्दी गंदा कर लिया, फिर से उसका कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। पूरा दिन में 2-3 बार इसका कपड़ा ही चेंज करती रहती हूँ मैं, पूरा खराब कर लेता है कपड़ा अपना। गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5:30, और अभी मैंने कपड़ा धोया था वो ऊपर डाल के आ गई। अभी अब बनाएंगे खाना, देखिए बर्तन गंदा है वहाँ पे भी, अभी इतना बर्तन को धोएंगे फिर धो के अभी खाना बनाना है रात का। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारा व्लॉग आज का कैसा लगा आप लोग को कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।